आज के इस खुशी के मौके पर सभी इंजीनियर्स को, उनकी पूरी फैमिलीज को और उनके सेलिब्रिटीज जो यहाँ पर आए हैं, मीडिया के लोग जो यहाँ पर आए हैं, और माननीय गुरु विधायक गंगाधर जी गिल साहब आज इस खुशी में शरीक हुए आप सब लोगों के साथ। उनके चेहरे की खुशी को देख के ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आप सब लोगों के बीच में आके उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनको खुशी महसूस कर रहे हैं। आप सब लोगों को इस पर्व की, जिस पर्व की गरिमा के रूप में आपको जाना जाता है, उसकी पुनः लख लख बधाइयाँ हो, और उन ब्राड साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो कि उस कार्यक्रम में जो एक रंगीन समाबाद थी और जीवन के कटु सत्यों को अपने वचनों में, अपने शब्दों में, अपने गायन में प्रस्तुत किया। और जोशी जी और हमारे जादूगर साहब यहाँ पधारे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके यहाँ अपना जादू की समा बिखेरी आप सब लोगों को जादू के रूप में। वो कहते हैं कि जादू वो होता है जो सम्मोहित कर देता है, उन्होंने सम्मोहित किया, फोटो को जला दिया, कोई चिंता नहीं की उन्होंने। सही खुशी की बात यह है कि गुरु विश्वा भी बैठा था यहाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है आज। चलो अब आप लोगों ने मेरे ये कहें कि परम श्रद्धेय मेरे को इस मैदान तक लाने वाले, इस स्थान तक लाने वाले माननीय गंगाधर जी भील साहब से वो शब्द कहलवाए जो शायद आपको कहने चाहिए थे, लेकिन उनका अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो वो सब बातें पूरी होगी जो आपने ध्यान रखी है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जनमानस की भलाई के लिए, उनकी जन सुविधाओं के लिए जो काम करती है उसको अच्छा माना जाता है, और उसमें उस कार्य में चाहे वो देश है, चाहे वो कोई छोटा स्तर का, चाहे नगर पालिका क्षेत्र है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, और चाहे वो पंचायत समिति है या जिला परिषद, उसमें इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान। मैं आपसे वो चीज मांगना चाहता हूँ जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होगा। मैं आपके उन सुझावों को मांगना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर्स यहाँ बैठे हैं, इस शहर के विकास के लिए, इस शहर के डेवलपमेंट के लिए आप मिनिमम बजट से क्या मुझे सहयोग दे सकते हैं, क्या मुझे सहयोग सुझाव दे सकते हैं जिनको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं आप सब लोगों के सहयोग से। विद्युत विभाग के भी यहाँ इंजीनियर्स बैठे हैं, विद्युतीकरण में शहर में जो भी कमियां आप महसूस करते हैं उनको भी आप मेरे सम्मुख रखें। पीएचडी डिपार्टमेंट के बैठे हैं, सिविल डिपार्टमेंट के बैठे हैं, सभी लोग जो है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप सब लोग इस शहर के नागरिक हैं, इस शहर में निवास करते हैं, और इंजीनियर्स पूरा देश का, देश की जो खाती होती है वो पूंजी होती है जिसको पीढ़ियों पीढ़ियों तक याद किया जाता है। अभी मैंने कहीं एक जगह देखी थी FIR जो आपके देहरादून में बनी हुई है, उसमें कोई सीमेंट कोई सरिया नहीं लगा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस पर मैंने एक चीज जो नोट की और मैं उसको भी इम्प्लीमेंट यहाँ भी करना चाहता हूँ कि कोई बहुत अच्छा काम हो उसमें हमारे जैसे नेताओं का नाम लिखा जाता है तो वहाँ इंजीनियर्स का भी नाम लिखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे कि उस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था और उस इंजीनियर ने इसको बनाया था, और अगर उसमें अच्छाई होगी उस इंजीनियर को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इस देश की उन्नति में, इस दुनिया की उन्नति में इंजीनियर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत बड़ा योगदान रहा है और भविष्य में भी रहेगा। एसी, कूलर और एयर कंडीशन में बैठ के जो अधिकारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को फूल प्रदान करता है वो इंजीनियर करता है। आज हम देखते हैं, हमने एक कोई छोटा शहर, कोई शहर के किसी वार्ड का या कोई भी काम हमने अगर निकाल दिया है कि यहाँ इस वार्ड में ये डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन इंजीनियर जाके जब वो उस काम को प्रदान करता है तभी हमारी वाह वाह होती है जनता बजट से भी। और सूरतगढ़,
अगर मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे डिवीजन में, बल्कि ये कहता हूँ कि राजस्थान में अपनी एक पहचान इंजीनियर्स के रूप में हमेशा से रखा हुआ है। मैं बचपन से मुझे याद है कि यहाँ जब आरसीबी जब कॉलोनी हुआ करती थी, मुझे नहीं लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के पूरे डिवीजन में भी इतने एससी चीफ इंजीनियर और इतने एक्सी भी यहाँ बैठते थे, इतने शायद मुझे लगता पूरे डिवीजन में भी नहीं बैठा करते थे। और वो जो आगे आगे सीएडी में आगे आगे जाते गए, फिर इंजीनियर्स देते गए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, राजीव जी ने जो हमारे इस क्षेत्र के लिए सोचा और उस सोच के परिणाम स्वरूप ही हमें जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यहाँ मिला। और फिर वापिस हमारे पास उसी प्रकार से इंजीनियरों की बहुत बड़ी खेप हमारे यहाँ आ गई। मैं आपके सब इंजीनियर्स को आज इस मौके पे, आपके परिवार परिजनों को, आपके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल रहे और आपका ये कलम जो है वो दिन दूनी रात चौगी उन्नति करे। मेरे से जो आपने आशा और अपेक्षा की है या मेरे से जो आपने उम्मीद की है, उसके आप सब लोगों की राय मशवरे से, माननीय विधायक मोदी जी यहाँ विराजमान है, उनकी राय मशवरे से देने का विशेष रूप से प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय इंजीनियर, जय राजस्थान, जय सुधीर। धन्यवाद कालवा साहब, आपने हमें आश्वासन दिया। सभी इंजीनियर्स एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।